सबसे पहले हम लोग सीख चुके थे पेरीमीटर, पेरीमीटर सीख चुके थे, याद है बेटा आप लोगों को क्या? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। किसका पेरीमीटर बेटा? ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको अच्छे से पता होगा, क्या होगा बेटा बोलो जल्दी सर, ए से। प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। और पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से? ए प्लस बी प्लस। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर इट मींस व्हाट? सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड। पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी। नाउ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय एस। सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय एस। यस सर। एंड एस इज व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेमी पेरीमीटर। और अगर किसी भी ट्राइंगल का अब हमको एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, याद है आप लोगों को? अंडर रूट ऑफ सर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर है क्या? यस सर। माइक को म्यूट रखे बेटा, माइक को म्यूट कर। पी तो ये हो गया, एस ये हो गया और फॉर्मूला ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज 12.1 पर थे और एक्सरसाइज 12.1 के आई थिंक फर्स्ट फोर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोर क्वेश्चंस हो गए थे क्या बेटा एक्सरसाइज? ओके, 12.1 फर्स्ट फोर क्वेश्चंस आर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो। समझना बेटा, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो। और इस रेशियो में दे रखी बेटा 12:17, 12:17, 25। ये किसी ट्राइंगल की साइड्स का क्या है बेटा? रेशियो। एंड द पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। और पेरीमीटर दे रखा है, ये तो रेशियो दे रखा है साइड्स का, साइड्स का रेशियो दे रखा है, यानी ये दे रखा है आपको ए रेशियो बी रेशियो सी, ये दे रखा है आपको 12:17:25। और पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है आप लोगों को 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा? 540 सेंटीमीटर। अब आपको इस ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है? एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमको एबीसी चाहिए। अभी हमारे पास एबीसी नहीं है। अब एबीसी नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एबीसी को फाइंड करेंगे। समझना कैसे, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 12x। ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया बेटा? 12x। बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया है बेटा, बी इज इक्वल टू ले लिया मैंने 17x। और सी इज इक्वल टू ले लिया मैंने 25x। क्लियर है क्या? जब भी रेशियो लोगे तो वो एक्स 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 कॉमन चीजें कैंसिल हो जाएगी ना। हम मान रहे हैं कि 12 ना होकर क्या था, ये 12x था, ये 17 ना होकर 17x था और ये 25x था। क्लियर है क्या? जैसे ही रेशियो मिलेंगे तो आपस वो एक्स 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 जो कॉमन जो थिंग है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है? तो ए हो गया आपके पास 12x, हो गया आपके पास 17x और सी हो गया आपके पास 25x। क्लियर? अब देखो ये तो हो गया पी। पी कितना दे रखा है बेटा आपको? 540। अरे पी कितना दे रखा है? 540। और पी क्या होता है बेटा बोलो जल्दी से? पी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आपके पास? 540। अब वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए है हमारे पास, वैल्यू ऑफ ए इज 12x। वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज 17x। एंड वैल्यू ऑफ सी इज 25x इज इक्वल टू 540। क्लियर? सो 12x प्लस 17x 29x, 29x प्लस 25x बोलो जल्दी से 54x, 54x इज इक्वल टू 540। नाउ 54 इन मल्टीप्लाई, 54 कहां पर है बेटा? मल्टीप्लाई में। तो कहां जाएगा ये? डिवाइड। x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54। 54 वन जा 54, 54 10 जा, तो x इक्वल टू कितना मिल गया आपको बेटा? 10। x इक्वल टू आपको 10 मिल गया है। और जैसे ही अगर आपके पास x 10 आ गया है तो आप abc को फाइंड कर सकते हैं। a क्या था आपके पास? a था आपका 12x, यानी क्या हो जाएगा? 12 into 10 यानी कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? ये तो a हो गया। b, b इक्वल टू है 17x
ठीक है, तो कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी, 17 इंटू 10 यानी कितना आ जाएगा 17। क्लियर विवेक, आ रहा है समझ में बेटा? यस मैम, यस सर। ओके ओके, नाउ सी, सी इज इक्वल टू व्हाट? सी इज इक्वल टू 25x, सो 25 इंटू 10, सो 250। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। एबीसी आ गए आपके पास? एबीसी आ गए, चलिए एबीसी तो हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो, अब आपको चाहिए एस, तो एस क्या होगा बेटा? एस इज व्हाट? पी बाय टू। अरे एस क्या होगा? पी बाय टू। तो एस इज इक्वल टू पी, तो वैल्यू ऑफ पी तो हमारे पास है, कितना है बेटा? 540/2। सो वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा, 270। वैल्यू ऑफ एस इज, देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14। क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से, क्लियर? देखो ये दे रखा था रेशियो, तो ए ले लिया हमने 12x, बी ले लिया हमने 17x, सी ले लिया हम लोगों ने 25x। पी, पी कितना दे रखा था हमको? 540। और पी कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। सो ए इज 12x, बी इज 17x एंड सी इज 25x। इनका सम किया तो 54x इज इक्वल टू 540। सो एक्स इज इक्वल टू 540 अपॉन 54। 54 1 54 54 10। So now A is equal to 12x. So 12 into 10 is equal to 120. B is equal to 17x. 17 into 10. C is equal to 25x. And we gave the value of ABC and we gave the value of S. Clear? Now area. Now yes, area. Sir, area with the, you know the area of triangle? Area of triangle is what? Under root of S into S minus C, S minus B into S minus C. क्लियर? अब देखिए, तो गया आपके पास ए, ये रहा हमारे पास अंडर रूट। वैल्यू ऑफ एस, सो वैल्यू ऑफ एस इज 270। वैल्यू ऑफ एस इज 270। नाउ क्लियर बेटा, वैल्यू ऑफ एस इज 270। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एस इज 270 माइनस ए 120। क्लियर? नाउ एस माइनस बी, 270 माइनस बी, वैल्यू ऑफ बी इज 170। वैल्यू ऑफ सी, 270 माइनस 250। सो नाउ अंडर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ एस इज 270 इंटू, बोलो बेटा, नाउ मल्टीप्लाई 270 माइनस 120। 270 माइनस 120 इज व्हाट? 270 माइनस 150 इंटू 270 माइनस 170 100 इंटू 270 माइनस 250 माइनस 250 नाउ अंडर रूट ऑफ, समझना बेटा, मैं इस 270 को, ये जो 270 है ना, इसको ऐसा लिख रहा हूं, समझना, समझना बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कितना हो गया? देखो 3 3 9 9 3 27, और इंटू में लिख लिया मैंने 10, ये हो गया 270 की नहीं हुआ, ये बताओ 3 3 9 9 3 27, और 27 10 जा 270। अभी जो 15 है ना, 15 मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, 3 into 150 आएगा, एनी कंफ्यूजन? 150 आएगा, क्लियर है? सॉरी 150 150 150, ओके ओके 150 है ना ये, ओके। सो 150 को 3 into 5 into 10 लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से, 3 into 5, 3 5 जा 15, 15 10 जा। अब देखिए, ये कौन है 100, 100 को ऐसा लिख रहा हूं मैं 10 into 10, एनी कंफ्यूजन? और ये कौन है 20, तो 20 को ऐसा लिख रहा हूं मैं, 20 को ऐसा लिख रहा हूं बेटा 5 into 2 into 2, 2 2 4, अरे 2 2 4, सर उधर साइड का तो देख ही नहीं रहा, 4 5 जट। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो यहां कौन हो गया हमारे पास इक्वल टू, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब देखो बेटा पेयर देखते हैं, देखो एक काम करते हैं, पेयर बना ही लेते हैं ना, जो बाहर आ रहा है उसको बाहर कर लेते हैं। देखो 3 का एक पेयर और ये 2 3 मिलकर फिर एक पेयर बन गया, तो 3 के 2 पेयर बन गए आपके पास, तो बता दो बेटा बाहर कौन आ जाएगा? 3 into 3। क्लियर? देखो 3 के 2 पेयर बन चुके हैं, क्लियर? यस। और देखो बेटा
फाइव का एक पेयर बन चुका है तो इंटू फाइव ये भी बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं टेन की, तो टेन का एक पेयर तो ये और एक पेयर ही है, तो टेन के दो पेयर बन चुके हैं तो टेन इंटू टेन, ठीक है। और टू का, टू का ऑलरेडी एक पेयर है तो इंटू टू, मतलब रूट के अंदर कुछ नहीं बच रहा है, सारे बाहर हो गए। देखो थ्री इंटू थ्री का एक पेयर बाहर, एक थ्री इंटू थ्री का एक पेयर फिर बाहर, देखो फाइव इंटू फाइव, फाइव एक बाहर, टेन इंटू टेन, एक टेन बाहर, फिर देखो बेटा टेन इंटू टेन, एक टेन, और वो टू इंटू टू का टू बाहर, क्लियर है क्या? अब चेक कर लो इसको, थ्री थ्री जा नाइन, ये हो गया नाइन, ठीक है, और ये हो जाएगा फाइव टू जा टेन, ये हो गया टेन, और ये टेन इंटू टेन हो गया हंड्रेड, क्लियर। देखो ना थ्री थ्री जा नाइन, ये हो गया नाइन, फाइव टू जा टेन, ये हो गया टेन, और टेन इंटू टेन, ये हो गया हंड्रेड। फाइनली अगर अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जैसे नाइन और ये थाउजेंड, नाइन इंटू थाउजेंड, नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट, एनी डाउट? फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये साइड्स का रेशियो दे रखा था, ये पैरामीटर दे रखा था, रेशियो की हेल्प से हम लोगों ने साइड्स को फाइंड कर लिया, साइड्स आने के बाद पैरामीटर था तो सेमी पैरामीटर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हेरोंस फॉर्मूले का, और ये हमारा आंसर आ गया। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। क्लियर है? यस सर। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट वन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर सिक्स। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा बेटा, 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो हमको क्या करना है, ट्राइंगल के एरिया को हमको फाइंड करना है। अब समझना बेटा, ट्राइंगल कैसा, पहले तो ये मुझे बता दो ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल कैसा है बता दो, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है तो उसके टू साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया, इसके दो साइड इक्वल, मान लो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल, ठीक है। और उसने बोल रखा है कि इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 12 और ये भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, क्लियर। थर्ड साइड नहीं पता तो ए तो हो गया आपके पास 12 और सी भी हो गया आपके पास 12, बी नहीं पता है तो उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा उसने कितना, 30, पेरीमीटर दे रखा है 30। अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30, तो ए 12, बी 12, सी को करना है फाइन, सॉरी बी को करना है, हमने सी ले लिया है तो बी को करना है फाइन, प्लस सी 12 इज इक्वल टू 30, क्लियर। तो 12 24, और ये 24 इधर कैसा है, प्लस का सामने जाएगा तो माइनस का, तो बोल दो बेटा जल्दी से, बी इज इक्वल टू 30 माइनस 24, बी इज इक्वल टू हो गया 30 माइनस 24, सो बी इज इक्वल टू हो गया 6, सो वैल्यू ऑफ बी आ गया आपके पास। देखो आइसोसेलेस इट मींस टू साइड्स आर इक्वल, उसने बोल सका है, बोल रखा है कि ईच इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, कि दोनों जो इक्वल साइड्स है वो कितने की है 12 सेंटीमीटर, तो दो इक्वल साइड ले ली, दोनों को ले लिया 12, एक साइड मिसिंग थी तो उसको पेरीमीटर की हेल्प से हमने क्या कर लिया उसको फाइंड। चलिए ये तो आ गया आपके पास बी, अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमको चाहिए सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर हम फाइंड डिनोट करते हैं एस से, और एस जो होता है वो होता है पी बाय टू, सो एस इज इक्वल टू पी बाय टू, पी बाय टू यानी 30 बाय टू, सो एस इज इक्वल टू 15, सही है क्या? देखो टू वन जा टू, टू वन जा टू, वन बज गया, टू फाइव जा टेन, सो एस इज इक्वल टू 15। एनी कंफ्यूजन? बोलो बेटा जल्दी से, एनी कंफ्यूजन? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, यहां तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, यस बेटा क्लियर? बोलो जल्दी से, क्लियर? नो सर, क्लियर है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आपको क्या चाहिए, एरिया,
क्या चाहिए बेटा? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला याद होगा इसे, क्या है फॉर्मूला बेटा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस। फिर से अगर बात करें एक बार तो देखो बेटा ध्यान से समझना, उसने बोला था आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो दो साइड इक्वल थी, इक्वल साइड दे रखी थी 12, तीसरी साइड मिसिंग थी तो उसको ले लिया बी। पेरीमीटर दे रखा था 30, पेरीमीटर हमको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। ए की वैल्यू 12, बी को फाइंड करना है, सी के 12 इक्वल टू 30, 12 24 सामने ले गए तो माइनस हो गया तो बी की वैल्यू आ गई 6। अब एस, एस क्या बनेगा, पी बाई टू, कितना आ गया 15, तो आपका एस आ चुका है कितना 15। अब एरिया, तो एरिया क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो एरिया, अब यहां पर अप्लाई कर देते हम लोग फॉर्मूला बेटा। सो देखो क्या बन जाएगा, एरिया ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, तो एस की वैल्यू हमारे पास 15, ये रहा एस की वैल्यू, क्या बनेगा बेटा 15 माइनस ए, मतलब ए तो एस तो 15 है माइनस ए, तो ए कौन हो गया आपके पास 12। ठीक है, इनटू 15 माइनस बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास 6। फिर कौन आ जाएगा बेटा 15 माइनस सी, 15 माइनस 2। अब अगर हम लोग और आगे बढ़े तो ये तो हो गया हमारे पास अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट, यहां हो गया हमारे पास 15, ये हो गया 15, 15 माइनस 12 यानी हो गया आपके पास 3, इंटू 15 माइनस 6 यानी हो गया 9, और 15 माइनस 12 यानी ये हो गया आपके पास 3। कोई कंफ्यूजन है क्या? अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये 3 और ये 3, 3 का तो बन गया एक पेयर। अच्छा ये जो 9 है ना, 9, 9 भी एक्चुअल में है क्या, 9 भी क्या बेटा 3 इंटू 3 तो है। अरे देखो ना, 3 का एक पेयर तो यहां से बन गया, और ये 9 भी क्या है 3 इंटू 3 तो है, तो एक पेयर 3 का यहां रेडी हो गया, तो बता दो बाहर कौन आ जाएगा 3 इंटू 3। अरे 3 इंटू, अच्छा काम बोलो 3 3 9, तो 9 और 9, 9 का एक पेयर बन गया ना देखा जाए तो, और अंदर कौन हो जाएगा 15। अगर 15 को ब्रेक भी करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू 3, तो ना तो आप 5 का एक पेयर बन रहा है क्योंकि 5 वहां पर है ही नहीं, और ना ही अब एक और 3 का पेयर बन रहा है, तो 5 और 3 दोनों बाहर नहीं आ सकता, मतलब वो तो अंदर ही रहेगा, तो अंदर तो अंडर रूट ऑफ 15 रहेगा। अब अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट ऑफ 15, ये हो गया 9 अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं, कल मैंने एक लॉजिक भी बताया था कि अगर आप चाहते कि नहीं इस 15 को हम लोग बाहर ले आए, अंडर रूट से बाहर लेकर आ जाए, तो इस 15 को आप अंडर रूट से बाहर भी ला सकते हैं। उसको लाने का मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया था, बहुत ही आसान तरीका था। क्या था बेटा वो तरीका, अगर अब हम लोग देखें तो समझना वो तरीका क्या था। तरीका ये था कि हमको पता है अच्छे से कि अगर 9 होता तो हम उसको कितना लिख लेते 3, क्योंकि अरे समझो ना रूट 9 होता तो 3 इंटू 3 3 बाहर आ जाता। अगर रूट 16 होता तो हम उसको लिख लेते 4, क्यों, क्योंकि उसको 16 को क्या लिख लेते 4 इंटू 4, पर वैल्यू किसकी है अंडर रूट ऑफ 15 चाहिए, अंडर रूट ऑफ 15 चाहिए हमको। तो देखो वो 9 से तो बड़ा है, 9 से तो बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है, यानी वैल्यू जो आएगी वो 3 और 4 के बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में वैल्यू आएगी जो भी आना होगा। तो देखो ये 9 तो यहां रहेगा इसे इनटू 3 तो आना ही है, 3 पॉइंट में आना है। अब पॉइंट में क्या आना, देखो मैं समझाता हूं, 9 से 16 के बीच जाने में डिफरेंस कितना आ जाता है, 9 से 16 पर जाने में डिफरेंस आ जाता है 7, उसको तो अपॉन में लिख दो, और 9 से 15 गए तो कितना चले गए आप लोग 6, तो ऊपर आ जाएगा 6, क्लियर है क्या। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, किसको 6 को, किससे 7 से, यहां आ जाएगा 0.0, कितना हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, 7 एट जा 56, अरे 7 एट जा 56, क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 7 एट जा 56, ये हो गया 56, कितना बच गया 4, यहां आ जाएगा आपके पास 0। अब क्या हो जाएगा 75 जा, आप उसको 6 लिख लो, यानी 3.86 नियर वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी पर पहले दो डिजिट सेम आएंगे, 3.8 तो 100% आएगा, बाद में नियर वैल्यू आएगी, तो नियर वैल्यू ही निकालना है हम लोगों को, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्लियर है। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो उसका इनटू कर लेना, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या, नहीं आया बता दो। अगर उसको रूट में रख देंगे तो क्या आ गया, बस वैल्यू नहीं निकाली तो।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स आ गए। एग्जांपल नंबर थ्री, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 3:5:7 ठीक है। एक ट्राइंगुलर प्लॉट है आपके पास, उसकी जो साइड का रेशियो दे रखा है वो कितना देखा बेटा 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा बेटा हम लोगों को 300 मीटर क्लियर। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। तो यहां पर साइड्स का रेशियो दे रखा है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दे रखा है और इसका पेरीमीटर भी दे रखा है और वो कितना दे रखा है 300 मीटर। तो सबसे पहले आप क्या सपोज कर लोगे, लेट ए इज इक्वल टू, बोलो बेटा जल्दी से, 3x, बी इज इक्वल टू 5x एंड सी इज इक्वल टू 7x। नाउ पी, सो पी इज व्हाट, पी इज 300 मीटर। सो पी, P is what? A plus B plus C is equal to 300 meter. A value of A is 3x plus value of B is 5x plus value of C is 7x is equal to 300. Clear? So 3x plus 5x is 8x and 8x plus 7x is 15x is equal to 300. So now x is equal to 300 divided by 15. So 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. So x is equal to 20. So value of x is what? So value of 20. x is 30. 20. Sorry, 20. Any confusion? तो आपके पास x आ गया. अब अगर ये x आ गया है, तो इस x की help से हम लोग ABC को find कर सकते हैं. बताइए बेटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस x की हेल्प से हम लोग a b और c को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप लोग, a, तो a इज इक्वल टू कौन हो जाएगा 3x, सो a इज इक्वल टू 3 × 20, सो a इज इक्वल टू व्हाट 60। क्लियर है क्या? बोलो बेटा जल्दी से। आप किसको फाइंड करोगे, b, तो b इज इक्वल टू 5x, सो b इज इक्वल टू 5 × 20, so b is equal to 100. Now c, c is equal to 7x, so 7 × 20, 7 × 14 is 140. Any confusion? Clear? No sir. अब आप abc तो आ गए, अब आपको s भी तो चाहिए। s means semi perimeter, तो क्या हो जाएगा half of perimeter, यानी 300 divided by 2, so s is equal to 2. Clear है? अब आपको तो चाहिए एरिया, तो एरिया इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ एस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी। सो एरिया इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए एस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस। सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, सो वैल्यू ऑफ एस इज व्हाट 150। नाउ 150 माइनस 60, नाउ 150 माइनस 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। एनी कंफ्यूजन? नाउ अंडर रूट ऑफ 150, ये हो गया आपके पास 150। 150 माइनस 60 इज व्हाट 90। अरे 150 माइनस 60 इज 90। नाउ 150 माइनस 100 इज 50 इंटू 150 माइनस 140 इज 10 इक्वल टू, लगा दे अंडर रूट ले लें, इसको ब्रेक कर लेंगे बेटा। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 3 × 5 हो जाएगा 15 और इंटू लगा दिया मैंने 10, 150। इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं किसको 90 को, 3 × 3 हो गया 9, इंटू लगा दिया मैंने 10, हो गया 90। इस 50 को ऐसा लिख रहा हूं मैं 5 × 10, क्लियर है क्या 5 × 10, और ये इंटू इस 10 को मैं ऐसे ही रख रहा हूं। अब मुझे बता दो कि देखो
एक तो यहां पर देखो थ्री का एक पेयर बन गया है, तो उस थ्री के एक पेयर को बाहर, फाइव का एक पेयर बन गया है तो फाइव के उस एक पेयर को बाहर, टेन का एक और एक दो पेयर बन गया है तो टेन के दो पेयर बाहर, टेन इंटू टेन इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री अंदर रह जाएगी, अंदर एक थ्री बच गया बेटा, इसका साथी कोई नहीं मिला है, थ्री अंदर ही रहेगा। अब देख लो जल्दी, थ्री फाइव या फिफ्टीन इंटू टेन इंटू टेन हंड्रेड अंडर रूट थ्री, तो फाइनली इज 1500 अंडर रूट थ्री मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। और अगर अब आप चाहो तो कल मैंने वैल्यू बताई थी, रूट टू की वैल्यू कितनी थी 1.14 और रूट थ्री की वैल्यू 1.73, यहां पर चाहो तो आप 1.73 के साथ इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? यस सर।